ये आ गया जी हैदर का गिफ्ट। रखो जी यार, क्या है क्या, मेरा तो दिल धकधक कर रहा है। धकधक कर रहा पागल, तेरे लिए सरप्राइज आया। बहुत हम कितों आ गए हैं? कैसा कैसा एक मिनट फाड़ ला जी ने फड़नी सारे फाड़ ला खाला। चाहिए कि नहीं चाहिए? उठ जा हरियप, चला बाहर आ, हरियप 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 हरियप। जो मैं किस्सा आपको सुनाने लगा ना, अम्मा ने रात को भी हमसे पूछा था, रात को 2:30 या 3 बजे मैं पता लग रहा ना कोई सो के उठा, कोई बट सो के उठा। क्या बात है रजब भट्ट साहब, चलो भट्ट साहब भट्ट साहब। अच्छा अच्छा, चल भाई निकलो, वेखिए की रह गया। आए 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 आए। अच्छा जी, ये हो गई ऑलमोस्ट आधी, एक ये आ गई, एक ये आ गई। इनका तो कोई साबता भी नहीं है ना किसी ने लेनी है और ना मैंने किसी को देनी है, एवं मैंने ये मंगवा लिया। अच्छा फिर उसके बाद ये 1, 2, 3, 4 से 50। अच्छा है 50, 10-10 ते भी अल्लाह की कसम पैसे इंजे लगता ने जमें नेरी ची छापर उठता आंदा। कल ये पूरा शॉपर भरा हुआ था और आज ये कुछ चंद रह गई है। अरे मेरा मालका, ईद मौके मौके मन लगता मैं कंगाल हो जाऊंगा। चल भाई बिस्मिल्लाह जी, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। जाने मंज जाने बहार, दिल का करार, आपको ईद का दूसरा दिन बहुत 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 मुबारक। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरी आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजियां, मेरे भतीजे सब खैर खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें और ईद इंजॉय करें, लेकिन सेफ रह के। कल रात को मैंने एक इंसिडेंट देखा है जो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ, प्लीज वो काम ना किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, आपके रजब को अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ईदी कैसी लग रही है। ईद वाले दिन का व्लॉग ईद वाले दिन ही अपलोड हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों ने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट भी किया है, लव यू ऑल। और अब टरू का व्लॉग भी सुबह 9 बजे ही, ओए मेरे को तो कड़ी नहीं है तानू की वहां अंदर जाकर दिखाना वा, टरू का व्लॉग भी सुबह 9 बजे स्टार्ट कर दिया है, जो भी आज सारा कुछ होगा। लेकिन आज के व्लॉग का तो सीन ही हो रहा है बाबा जी, आज के व्लॉग का मोमेंटम ही हो रहा है, इंजॉयमेंट ही हो रहा है, एक्साइटमेंट ही और है। मैंने ईद से पहले की तैयारी करके रखी हुई है। जे तू हूं कां चुप ना ना किया, तेरी टुई तक लेल मारनी, मैं तुम्हें दस रहा, मेरा सारा साउंड खराब कर रहा, कां 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 लाई। ओए अल्लाह की कसम चुप कर गया, चुप कर गया, आवाज नहीं आ रही ना, दहशत तो है आपके भाई की। अच्छा जी, तो एक कोशिश मैंने स्टार्ट की थी कि ईद की जितनी सीरीज होगी, ईद तरु मरु फिर, बड़ा टीट है यकीन मन, बहुत टीट है। खैर कोशिश की थी कि ईद की सारी सीरीज उसी दिन आएगी, ईद वाला व्लॉग ईद वाले दिन, टरु वाला व्लॉग टरु वाले दिन, मरु सरु लरु वाला व्लॉग उसी दिन आएगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद ऐसा करेंगे कि एक दिन में 2 व्लॉग शूट करके हम एक दिन आगे रह लेंगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है कि आपने उसी दिन व्लॉग शूट करना है, उसी दिन एडिट करना है और उसी दिन अपलोड करना है। बिल्कुल ना वो आप तलवार के नीचे सूली के नीचे लटके रहते हो, इस तरह बड़ा मुश्किल काम है ये, ठीक है ना। अच्छा अब मैं आपको सीन बताता हूँ कि कल रात को क्या हुआ, जिसकी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि आप अपनी ईद इंजॉय करो लेकिन सेफ रह के। मैं आपको वो किस्सा सारा सुनाता हूँ रात को मेरे साथ पेश आया। बहारा बहारा हुआ दिल पहली बार, चलो जाओ साडा ते दरवाजा लका लिया तुसी, चलो जी बिस्मिल्लाह। यार आप उठ गए हो? मम्मा आप क्यों उठे हो यार? मम्मा मेरा सारा प्लान खराब कर दिया आपने। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, ईद बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान के टोटे को। आप क्यों उठे हो? मैंने आपको उठाना था, इतने प्यार से उठाता हूँ मैं आप सबको यार, इतने प्यार से उठाता हूँ, ऐसे छक्का मार के उठाता हूँ, उठो यार। मम्मा यार सो जाओ यार, मैंने आपको उठाना था यार। मम्मा हद हो गई, ड्रामा नहीं करते, ड्रामा नहीं करना है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो सोए डे 1 बताया था, जो है जैसे है वैसे ही दिखाया जाएगा।
अच्छा जी, कुछ लोग सो भी रहे हैं, कुछ लोग सो भी रहे हैं। पापा को मैंने उठा दिया, ठीक है। सलमान अपने घर गया, अवैस अपने घर गया, सिर्फ वहीद है घर पे। अब अंदर दो जो है ना लोग सो रहे हैं, उठाते हो उनको, समझ करो। अच्छा जाने, मेरे रात को भी आपसे पूछा था क्या हुआ था रात को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो मैं किस्सा आपको सुनाने लगाऊ ना, अम्मा ने रात को भी हमसे पूछा था। रात को 2:30 या 3 बजे मैं, मांडोगर, फिर उसके बाद जहांगीर भाट और हैदर, हम रात को घर आए हैं। तो हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि यार सुबह वाले व्लॉग में मैं अपनी ऑडियंस को बताऊंगा या उनसे डिस्कस करूंगा कि काइंडली इस चीज से परहेज किया करें। रात को क्या हुआ, हम लोग खाना खाने चले गए, व्लॉग श्लॉग एंड करके। मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया था कि 2-3 घंटे मेरे दोस्तों के होंगे, मैं उनके साथ जाकर टाइम स्पेंड करूंगा। उस टाइम मैं मोबाइल यूज नहीं करता, अनटिल अनलेस कोई एकद स्नैपचैट की स्ट्रीक ना बनानी हो, दैट्स इट। ठीक है, अब हुआ क्या, हम लोग चले गए खाना खाने एमएम आलम रोड पे। ठीक है, खाना खाने चले गए, प्यार करने वाले मिलते हैं सबको। मैंने अपनी गाड़ी का नंबर बताया हुआ, खुद बताया हुआ, तो वो लोग रोकते हैं, तस्वीरें ले लेते हैं। हाँ, हम लोग नहीं छुपाते, तस्वीरें ले लेते हैं, गाड़ी रोक लेते हैं, मैं साइड पे लगाता हूँ तस्वीरें लेके, फिर चल पड़ता हूँ। क्या हुआ, 3-4 लड़के थे, मतलब होंगे सलमान की एज के होंगे, 22-22 साल के होंगे। 3 लड़के थे एक बाइक पे, 1-5 पे। ठीक है, अब उन्होंने गाड़ी मेरे साथ गाड़ी लगाई, गाड़ी उन्होंने मेरी देख ली। ठीक है, मैं समझ गया, मेरी मतलब नजर होती है इधर उधर, मैंने देख लिया, मैंने ईशा नीचे किया, मैंने सलाम अलैकुम किया, मैंने कहा यार ध्यान से मेरी जान, ध्यान से। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, वो ओवर एक्साइटेड हो गए, ठीक है ना, वो गाड़ी के साथ गाड़ी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भी गाड़ियां चल रही हैं, बाइक चल रही है, ट्रैफिक चल रही है। ठीक है, वो कोई 2-4 मिनट छेड़खानी करते रहे, मैं उनसे कह रहा हूँ, मतलब उन्होंने ऐसा मुझे हूट नहीं किया या मुझे तंग नहीं किया, रजब भाई एक हाथ छोड़ के बाइक चला रहा, एक हाथ से पप्पियां कर रहा है। मैं कह रहा हूँ देख के बाइक चला, वो ठुप करता गड्डी के बीच वजह। ठीक है, यहाँ से सर फट गया एक का, दूसरा पीछे गिरा, उसको मेरा ख्याल ज्यादा चोट नहीं आई, तीसरा जो गिरा ना उसका पाँव जो है वो चक्के के अंदर फंस गया। ठीक है, मैं इसी चीज से मना कर रहा था पिछले 2-3 मिनट से, मैं उसको कह रहा हूँ चल मैं साइड पे लगाता हूँ, नहीं भाई कोई बात नहीं, मैं तो रुक जाता हूँ फौरन ही, और मैं जल्दी फिर रुक जाना। मैंने हर बंदा मना कर रहा था भाई तू अंजी रोक के ना, तो ले आकर हमेशा कोई प्यार करने वाला नहीं होता, कोई भी हो सकता है, ठूस कर फिर करेगा। मैं यार कोई बात नहीं, खैर ठीक है, लेकिन मैं उनसे कह रहा हूँ मैं रुक जाता हूँ, कहता नहीं नहीं भाई कोई बात नहीं, हम वीडियो बना रहे हैं। तीसरा जो मोबाइल में वीडियो बना रहा था ना, देखो गाइस हमें रजब भाई मिल गए हैं यहाँ पर मालम रोड पे, वजह मोटरसाइकिल वाला गड्डी के बीच वजह जाके। ठीक है ना, एक का यहाँ से फटा, फिर दूसरे का फॉर्म बीच में आ गया, फिर फौरन वहां पर 112 कॉल की, गाड़ी रोक ली फिर हमने भी। ठीक है, उनको 112 कॉल की, वो आके उनको हॉस्पिटल लेके गई, बड़ा लंबा सीन वहां पर डल गया। रात को जो 2:30-3 बज गए ना, खाना खाकर मैं 12 बजे वेला हो गया था, उसी सीन में लेट हो गया। किस्सा नाम मेरे बच्चों किया तो देखो, मुझे जान से प्यारा रजब भाई, और खुदा की कसम आप भी मुझे वैसे ही प्यारे। इस तरह ना करो, भाई को रोक लिया करो, भाई रुक जाओ हमने पिक्चर्स लेनी, ऐसे नहीं मेरी जान, जान से नहीं खेलना, माओ को बड़ी तकलीफ होती, इस तरह नहीं करना मेरा बच्चा। मैंने कहा मैं रुक जाता हूँ, नहीं नहीं भाई हम वीडियो बना रहे हैं, चलते रहे। अल्लाह पाक आपको सेहत सलामती दे, जिंदगी दे मौला, इस तरह माओ को तकलीफ ना दिया करो बच्चों, आप लोगों की जिंदगी बहुत कीमती मेरी जान। आपने कुछ नहीं कहना, क्या कहूँ, वही कहूंगा जो मम्मा तेरी कह रही है, वही कहूंगा, बच्चों को एहतियात करनी चाहिए, बिल्कुल आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, ऐसे ना करो। अब आपने मिलना भी है तो गाड़ी साइड पे लगा लो, आप भी और भाई भी साइड पे लगा लो, तो मुलाकात कर लो। ठीक है मेरी जान, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि गाड़ी का नंबर आप देख लो, गाड़ी देख लो, कुछ भी हो जाए आगे गाड़ी लगा दो यार, मेरे बाइक आगे लगा दो, को भाई रुक, मैं रुकूंगा यार, लेकिन इस तरह बाइक के ऊपर स्टंट ना किया करो यार, चोट लगी खुदा कैसा, मुझे इतना बुरा लगा यार, मैंने क्यों मतलब गाड़ी नहीं रोकी, बच्चे तो बच्चे थे, बच्चे तो कह रहे थे हमने गाड़ी नहीं रोकनी, आप चलाते रहे हम वीडियो बना रहे हैं, मुझे रोक लेनी चाहिए थी। ठीक है, तो मैं अपने आप को कसूरवार मान रहा हूँ इस चीज का। अच्छा अब मैं आपको आज के व्लॉग का सीन बताता हूँ, वड्डा सीन। लेकिन उससे पहले जो लोग सो रहे हैं, जो कल मेरे व्लॉग में नहीं आए थे क्योंकि वो लेट हो गए थे, अपना व्लॉग उन्होंने कर लिया था लेकिन मुझे ईद मिलने नहीं आए क्योंकि वो कब्रिस्तान गए हुए थे, फिर अपने ससुराल में मसरूफ थे। यस, आप लोगों ने ठीक समझा, गजल जवाद व्लॉग्स। अब जो मैं इसका किया काचा करूंगा ना, आज ये मेरे साथ साथ 10 बजे सुबह उठेगी। ओए हाय हाय, इतिहास में पहली बार गजल उठेगी 10 बजे, क्योंकि इसको उठना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह, अभी नाल छोटी गजल भी है, इन भी होश नहीं है, जरा जा गजल 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 गजल, क्या हाल है, हेलो कैसी हो, मसला हो गया, उठ उठ उठ, हरियप, अरे पीछे यार उठ ना यार, हरियप नहीं करो, मसला हो गया, उठ जा। अस्सलाम वालेकुम छोटी गजल, छोटी गजल उठो उठो, दो में उठो, चलो गजल उठो जल्दी कर, हरियप तेरे पास 5 मिनट है, मैं ठंडा पानी फेंक दूंगा, अदरवाइज उठ जा, हरियप चला बाहर, हरियप 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 हरियप, खूबसूरत शक्ला, दो सुतियां पिया, दिल नु सुकून आ रहा देख के, दे चला ना यार बाहर, हरियप। मीना उठ, मीना 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 उठ, मीना लड़ाई हो गई, मीना लड़ाई हो गई, स्कूल जाना, उठ जा स्कूल जाना, उठ जा उठ, आ जल्दी कर बाहर, 5 मिनट तेरे पास गिनती के, जल्दी कर, उसकी शक्ल दे, छोटी की शक्ल दे, छोटी कर, उठ जा जल्दी कर, हरियप चल उठ उठ
उठ गल्ला मारन शेर है तू, जल्दी कर उठ। सिद्धू मूसे वाला उठ जा, उठ सिद्धू मूसे वाला उठ, आ जा जल्दी कर। आए अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है ईद खत्म हो गई है, पैसे बहुत लग गए, अब पैसे कमाने पड़ेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे जालिम प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है OneXBet, जहां पर आप अपनी मर्जी का स्पोर्ट इंजॉय कर सकते हैं, ना सिर्फ देख सकते हैं उसकी विनिंग प्रिडिक्शन देके अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं, जैसा कि क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी एक्सेट्रा। इस प्लेटफॉर्म की ऐप बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और उसके अलावा ये बहुत सारे इजी विड्रॉल और कैश डिपॉजिट के मेथड्स को सपोर्ट करता है। और अब जैसा कि आपको पता है इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? भैया मैं तो कोहली का फैन हूँ, ऑब्वियस बात है कोहली की टीम को ही सपोर्ट करूंगा जो भी हो। तो अभी ज्वाइन करो इस प्लेटफॉर्म को और लाइव देखो KKR वर्सेस RR का मैच 16th of April को। तो लिंक मैंने कमेंट के अंदर पिन कर दिया है, जाएं खुद को रजिस्टर कर लें, मेरा प्रोमो कोड रज्जब यूज करना नहीं भूलना, क्योंकि उससे आपको फायदा ये होगा आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको 39,000 तक का बोनस मिलेगा। अपनी जिम्मेदारी पूरी करके सारे घर वालों को प्यार से तरीके से उठा के ना, बहुत ही अच्छा फील होता मुझे तो। मैंने कहा मैं अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करूं, कसम से मैं इतनी खुश हूँ, मेरे बच्चों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट दिए मेरे छोटे से व्लॉग पे, मुन्ने पे व्लॉग। अच्छा मुझे उम्मीद थी कि मैं अपनी औलाद से प्यार करती, मेरी औलाद मुझसे ऐसे ही प्यार करती है, तो अल्लाह का बड़ा करम, उनकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। सलामत रहे, सदा बहादुर शाद रहे, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ कि मेरे बच्चों ने मुझे बहुत प्यार दिया कि अम्मा आप टेंशन ना, आप जैसे बनाओगे हम देखेंगे। अच्छा जी, मम्मा ने 8-9 मिनट का व्लॉग बनाया था, ईद वाले दिन हमने अपलोड भी किया था, उसके ऊपर मेरे व्लॉग से ज्यादा कमेंट्स आए हैं। हाँ व्यूज थोड़े से कम है, 3-4 लाख व्यूज आया, लेकिन वो भी वादू है यार मम्मा, बात नहीं होगी वो भी वादू है, लेकिन यह प्यारे प्यारे कमेंट्स आए कि माँ जी आप कैरी ऑन करें, थैंक यू सो मच उसके लिए। अच्छा अब मैं आपको आज के व्लॉग का जो मेन सीन है ना वो बता देता हूँ। मैंने ये ईद वाले दिन ही करा लेकिन आपके सामने ही था, एक मिनट का टाइम मुझे नहीं लगा, ठीक है। मैंने अपनी जान अपने भाई हैदर के लिए एक गिफ्ट, एक ईदी तैयार की है। आपको क्या लगता है कल जो मैंने उसको 5,000 रुपए ईदी दे दी थी, बस वो 5,000 रुपए ही वो डिजर्व करता है? ना 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 ना, हैदर डिजर्व्स मोर। हैदर के लिए एक जबरदस्त सा सरप्राइज है, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कौन सा मॉडल है। आईफोन लिया है मैंने अपनी जान के लिए, और लेके मैंने रखा हुआ है कोई कम से कम 24वें या 25वें रमजान का लेके रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन देना आज है। तो और उसके क्या हुआ जो आपने बता दिया, आईफोन लिया हुआ, सरप्राइज क्या हुआ इसमें? आईफोन जो है ना 3 से स्टार्ट होता है मेरा ख्याल है, 3GS, 4S, 5S, 5C, 6S, 6+, 7+, 8+, X, 11, 12, 13, 14, 15 तक आ गया। अब आपको क्या पता मैंने कौन सा आईफोन लिया उसके लिए, सरप्राइज है कि नहीं बताओ। जो 3GS है वो 4-5 हज़ार का मिल जाता है, जो आईफोन 15 है वो 7 लाख रुपए का PTA प्रूव है, सरप्राइज है कि नहीं बताओ फिर। अच्छा जी, हमने लिया है अपनी जान के लिए एक आईफोन, क्योंकि उसके पास एंड्रॉइड है, मैं बहुत देर से उसके पीछे लगा हुआ हूँ, फोन चेंज कर ले, पैसे भी उसको है नहीं, सारा कुछ उसको है, अलकस का मारा चेंज नहीं कर रहा, तो मैंने इसलिए उसकी ईदी जो है ना आईफोन लेके रख लिया, पैक होने गई भी है। आज का व्लॉग हमने हैदर को सरप्राइज देने का ही बनाना है भाई जान, सलामत रहे हैदर भी और आप भी, अल्लाह पाक आपकी जोड़ी ऐसे सलामत रखे। आज का व्लॉग खाली हैदर पे नहीं है, फिर आज का व्लॉग काफी सालों से जब मेरे भाइयों के घर दोपहर का खाना होता दूसरे दिन हमारा। मम्मा जी मैंने आपको बताया है कि मैंने आज ही व्लॉग शूट करना है, आज ही अपलोड करना है, मैं 3 बजे वहां से खाना खाकर निकलूंगा, तो मैं शूट करके एडिट करके अपलोड कब करूंगा? मेरी बात सुन, हर काम तहम्मुल से सुकून से अच्छा होता, अफरा तफरी में कुछ अच्छा नहीं, सिवाय व्लॉगिंग के। व्लॉगिंग आप सबर तहम्मुल से करोगे तो आप डेड हो जाओगे। नहीं नहीं, आप ना व्लॉग शुरू करो नानोगर, जितना शूट होता करो, बाकी आप हैदर सुबह 9 बजे का शूट किया मम्मा जी, 11 बज गए हैं। हाँ तो बाकी हम जाते हैं वहाँ पे नानोगर करेंगे, हैदर का सरप्राइज करेंगे, मिक्स हो जाएगा आपका। मम्मा यार आपकी मेहरबानी यार, आपका अपने भाई याद आ गया आपको टाइम पे यार। मम्मा मेरे भाई तो मेरे दिल में बसे, मेरी जान के टोटे, छोटे भाई है मेरे, मैं उनकी माओ की तरह। मैं काम करो ना, आप ऊपर करवाओ, आप पहुंचो, मैं हैदर को सरप्राइज देता हूँ, व्लॉग आपके साथ में, ठीक है? काम करूँ, ईद तो निकल गई है। हाँ। आप ये काली चप्पल उतारती हूँ, तुझे बताती हूँ कि तूने कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, वो क्यों गया? बढ़िया था गुरु। चल मैंने आपके ऊपर केस कर दिया ना, ह्यूमन वायलेंस का समय लगी है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, बच जाओ मेरे से। ले 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 ले। अच्छा ऐसे करते हैं, पहले चलते हैं मामू की तरफ, और जो गजल साहब आए हैं उनको उठाते हैं, वहां जाके नाश्ता नुश्ता करते हैं, दोपहर के खाने का टाइम नहीं है, नाश्ते का टाइम है, जाएंगे जिस टाइम हो रहा होगा वो टाइम खा के वापस आ जाएंगे, और फिर हैदर को सरप्राइज देंगे, फिर आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी जान के लिए कौन सा मॉडल लिया है, और उसके रिएक्शन भी नोट करेंगे फिर। ओ मेरा सोना सजन उठ आया, कांगड़ी पुआन की हाल है, तबीयत ठीक है? डेरादारी शुरू कर दो इधर। क्यों? सुबह 10 बजे भी फैमिली है यार। पौने 10 बजे? 10 बजे नहीं, पौने 10 बजे, और वो भी ईद वाले दिन।
प्यारा यार उनका क्या है तुझे प्रॉब्लम है, मेरी बात सुन। ये पेन है ये भैया जो हमने दिया था। ओए होए 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 कहता साहब आपने मेरी कॉपी कर ली आज, आपने आज मेरी कॉपी कर ली भट्ट साहब। भाईजान जो मेरा ड्रेस है ना दूसरे दिन का सलमान भाई भाई कमाश। ओए होए 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 क्या बात है, कॉम्प्लेक्स हो जाना आपको मेरे से आज देखना। जरा जल्दी करो 11 बज गए हमने पहुंचना मामू की तरफ। उसके बाद जरा ओ हैदर को आज आपका भाई ईदी दे रहा है आईफोन, ओप्पो तो जान छिड़ा रहे हैं आज मैं। ओए कल तुझे दी नहीं तेरे व्लॉग में, खुदा का खौफ कर है। तो उससे पहले ये क्या है जो टोकरा भर के तेरे घर दे गया था, वो क्या था? चलो जी देखता हूँ जान फादर ताबेदार पहिया आने थोड़ी कापियां तुम्हें मुका के जानी पता मनु छेती कर रेडी हो। अच्छा जी अब हम आपको मिलते हैं अपने न्यू ड्रेसेस के साथ, उसके बाद निकलते हैं अगले घर। चल चल निकल, चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। क्या है मैंने क्या किया, मैंने क्या किया? मैंने तो नहीं मारा, इसने पुराने वाला ड्रेस पहना, इसने नया ड्रेस नहीं पहनना। जरा नहीं भाई का सिर्फ खर्चा कराना है, सारे खानदान ने सिर्फ खर्चा कराना। प्यार किसे नु भाई दिनाली का? पपी दो पपी दो। अरे पैसे पूरे तैयार होके मिलते हैं जी बाप को। A few minutes later। मॉडल ही लग रहा मैं, मॉडल लग रहा हूँ, फुल मॉडल लग रहा हूँ। एक मिनट भाई साहब, भाई साहब मेरे अकेले की फोटो खींचना। मुझे ना 0.5x कैमरा लग रहा हूँ ना, ओए लो मिलो पीतो लग रही है। देखो चूहियां दिखाओ, चूहियां दिखाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी ओके जी, तो अपने भाई को देखते साथ ही माशाल्लाह लाजमी कह देना क्योंकि एक्स्ट्रा ही हसीन लग रहा है। माशाल्लाह मेरी जान का टोटा पिंक ड्रेस में कितना प्यारा लग रहा है, ये वाली जान का टोटा पर्पल ड्रेस में कितना प्यारा लग रहा है, सारी बच्चियां भी बहुत प्यारी लग रही हैं, और तेरी तो क्या ही बात है मगेम्बो। माशाल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह वाह क्या बात है मम्मा जी। चलो जाए बस कर मॉडलिंग, देख तेरी चैट नजर आ रही बेटा। अच्छा मेरी बात सुन, वॉच दिखा वॉच दिखा, अपनी वॉच दिखा। वॉच नहीं पहनी मैंने यार, तुसी की है मम्मा जी आपकी वॉच की तरह। मम्मा जी अल्लाह की कसम मैं प्राइस नहीं बताने वाला, एडी महंगी घड़ी मम्मा ने लिया दी थी, ठीक है मम्मा की कर देने। मम्मा जी पहनो पहनो इसको, इसको पहनो जल्दी करो, हरी अब पहनो इसको, बताओ पहनते क्यों नहीं हो, बताओ क्यों नहीं। इतनी महंगी घड़ी मैं नहीं पहन सकती भाईजान, मम्मा की ये गंदी आदत है, बचपन में मेरे खिलौने इन्होंने अलमारी के अंदर छुपा छुपा के जंग लगा दिए, खराब कर दिए, यूज नहीं करने दिए। ये घड़ी ला के दी है, ए घड़ी चेक करो जी। अच्छा तुम्हें यूज क्या करते, तू रखता था जमीन पे ठा ठा तोड़ के मेरे हाथ पकड़ाता था। तो भाई क्या हो गया, खेलना नहीं था? ये घड़ी ला के दी है, साल हो गया है, साल नहीं 6-7 माह, ठीक है पहन ही नहीं रही। क्या बात तो सच है, इतना किसी ने यकीन करो घर के बर्तन नहीं तोड़े होंगे जितने आपने तोड़े हैं, बंदूकें तोड़ी हैं। यार ये दिखा ये दिखा ये दिखा, ओए पहन लेने दे मम्मा को, कैसी है तेरे पास सेम इस तरह की है ना भाई जान, ये ला के दी अम्मा को, इतनी जबरदस्त घड़ी है, इतनी प्यारी लगती पहनी हुई, पहनती नहीं है। नहीं नहीं महंगी बड़ी है, महंगी बड़ी है, और महंगी है देखी पानी नहीं, चेक करो जरा। ओए 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 मैडम डिकोस्टा दिखाओ जरा, माशाल्लाह एक गुड़िया को निकलवा के दूंगा इसकी, ठीक है चलिए भट्ट साहब माशाल्लाह। चलिए आपकी घड़ी की तरह घड़ी पहनो, है घड़ी है ही नहीं आपा, ला 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 मैं देता हूँ पापा घड़ी दो दूसरी, वो नहीं मिल रही पता नहीं कहाँ। देखो अच्छा जी रेडी शेडी सारे हो गए हैं, निकलते हैं गाड़ी में बैठे करेंगे बहुत ही जरूरी बात, उसके बाद आपको सारा जो है ना आज का सीन बताते हैं कि फोन कौन सा भाई जान। चलो भाई थैंक यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा जी घर से निकल चुके हैं, जा रहे हैं नानो की तरफ। नानो का घर काय का है, अब तो मामू का घर ही है, नानो तो रही नहीं, ना ही नाना भू रहे हैं। अच्छा एक जरूरी बात जो मैंने आपसे करनी है वो ये है, डे वन से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सोचा हुआ था कि फैमिली बनानी है, सब्सक्राइबर्स या फैंस नहीं बनाने।
ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा काम हम नहीं कर रहे कि हम सेलिब्रिटी बन जाएं। सेलिब्रिटी जो थे ना वो आप सबको पता है, हम सेलिब्रिटी नहीं है, हम अपनी जॉब कर रहे हैं, उसके इवज हमें पैसे भी मिल जाते हैं, उसके इवज हमें प्यार भी मिलता है आवाम का, तो हमें इसका शुक्र गुजार होना चाहिए अल्लाह पाक की जात का, ना कि हम सेलिब्रिटी बन के हम चौधरी बन के हम जो है वो दज्जाल बन के बैठ जाए कि जी हूं असी यहाँ और कोई कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सिर्फ मेरी अपनी जात के लिए ही मिशन नहीं था, मेरा एजेंडा था कि जिन्हें सेलिब्रिटीज बने ना जिन्हें धौन च सरिया है मैं कढ़ना, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने ऐसा ट्रेंड सेट किया फैमिली वाला कि अब जो लोग दरवाजे से अंदर अपने सब्सक्राइबर्स को आने नहीं देते थे, क्योंकि जो प्यार करते हैं ना वो चाहते हैं आपसे मिलें, आपसे बात करें, आपके घर जाएं, देखें कि हाँ ये हम व्लॉग्स में देखते हैं घर, ये रियल में भी ऐसा ही है, ठीक है। उनको घर घुसने नहीं देते थे, अब बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं, ईदियां वंड रहे ने, ईदियां दे रहे हैं साहब, ठीक है ना। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज आ रहा है जो मैंने अपने दिमाग में सोचा हुआ था कि इनकी गर्दनों में से सरिया मैंने निकालना, ठीक है, और ये अपने सब्सक्राइबर्स को अपने फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करें, क्योंकि उनका आप इतना ही देन नहीं दे सकते, वो आपको देखते हैं तो आप पैसे कमाते हैं, ठीक है ना। अल्लाह पाक की जात का बहुत शुक्र है कि बहुत हद तक चेंज आ रहा है, सब्सक्राइबर्स को ईदियां भी अब दी जा रही हैं, उसके अलावा जो गर्दन के अंदर सरिया था वो बहुत कम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता और सेट हो जाएंगे। अगर ये नहीं सेट होंगे तो फिर रजा फैमिली रह जाएगी, बस इनके चैनल जो है वैसे डेड हो जाने, क्योंकि लोगों को आपका सब्सक्राइबर आपका जो है ना वो गुलाम बनना पसंद नहीं है, उनको पसंद है कि आप उनको फैमिली की तरह ट्रीट करें, ठीक है ना। तो गुड लक, अगर तो फैमिली मेंबर बना के चल रहे हो अल्लाह पाक आपके चैनल को और तरक्की दे, लेकिन अगर तुम बनाओगे फैन फोन फिर तुम गए ताड़ा पट्ठा और 6 महीने साल जी रजा फैमिली बिठा देगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, लव यू मेरी जान। अम्मा की तरफ से मेरी पूरी फैमिली को आई लव यू, सलामत रहे मेरी जान के टोटे। हाँ जी, और जो क्रिएटर्स भी आप फैमिली बना रहे हैं उनको भी लव यू। फैंस ना बनो, फैमिली बनो, लव यू। और मेरी बात सुनो, मैं फैमिली मेंबर कह रहा हूँ तो फैमिली मेंबर बनो भी। वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस क्यों नहीं किया, 2 मिलियन नहीं करवाने रजा फैमिली को, मजीद हमने बूम नहीं देना, ग्रो नहीं करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो प्लीज, वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो और आगे दोस्तों को शेयर भी कर दो। चलो जी शुक्र आजो भाई, फड़ा मैं एक ये पहले आ गया, उसके बाद इसको पकड़ लेते, आ जा भाई, चल भाई। और मैरिड आदमी क्या कर रहा है, ये की ले गया मंडी क्या सा? क्या ये है, क्या ले क्या मंडी का सामान, कैसा तेरी ईद नहीं है, पहली तेरी ईद है शादी के बाद, नहीं मैं हालत देख अपनी यार हैं, वो पहली ईद है बोला पाके सब दिन आ गया, तेरी ईद कोई नहीं, नहीं ईद है, मैं बस काम में लगा हूं, अभी हो गए इंशाल्लाह कपड़े चेंज कर दिए। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खाला ये क्या यार, आपने कल भी यही ड्रेस पहना हुआ था, अभी बदलना है, अभी थोड़ा अभी बदलना है, आपका वो जो क्लिप वायरल हो गया है टिकटॉक पे, हाँ। देखा आपने, इसीलिए टेंशन ली थी, हाँ मतलब ईदी नहीं दी थी, नहीं मैं दे दी, साहब कोई बात नहीं, आप कल आए नहीं ना, आप कल आए नहीं ना, है ना, शेख साहब कल आए नहीं, ठीक है, क्या हाल है, बहुत प्यारे लग रहे हो, अस्सलाम वालेकुम बट साहब, आपने सही से बताना, अभी कपड़े चेंज किए ना, अभी चेंज किया, खाला अस्सलाम वालेकुम, बच्चों अस्सलाम वालेकुम, बाबाई की हाल है, ठीक ठाक हो बुजुर्ग, बुजुर्गो की हाल है, ठीक ठाक हो, सब ठीक ठाक, ऑल गुड, बहुत सारी औज, क्या हाल है, ठीक, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, सारे बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं, जान लाओ और दूं, लाओ और दूं, ओके, ओ और पागल 500 वड्डी होती बेवकूफ, अच्छा ला 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 ला, हर वेले मोबाइल मोबाइल मोबाइल, क्योंकि मैंने काम कहा सुबह का, एक गिफ्ट पैक करवाना है हैदर का, फोन पैक करवाना, काम होने दे जी, लड़के गए हैं, तूने आगे भेज दिया, तू भी सेठ टकरे आए को, मैं हूँ, अच्छा कितनी देर में पैक होगा, ये आधे घंटे में आ रही है, प्रॉपर गिफ्ट पैक करवा के, यस मैस, ओके आपको यस मैस मिलेगा, यस शाबाश, अरे मैं तो थक गया, एक मिनट चुप करो, खाला इसको दी नहीं, लेके लगी हुई है, ले ली है ना, आज को मिलनी है, घाटे का सौदा ही, मैं घाटे का सौदा ही, कहना इतनी जगह मैं नहीं आना, घाटे का सौदा ही, आहो हां जी, औज को देनी है, औज को देनी है, गजल साहब है, गजल तू खुदा का खौफ कर ला यार, बस कर दे, चलो औज औज यार, मेरा ना धिया बड़ा बच्चा हो गया, हूं यूनिवर्सिटी का बच्चा हो गया,
फाड़ तेरे फायदे की गल कर रहा है, कर ला और बड़ी हो गई है कि रोसी गोइंग बच्चा फाड़ ला जिन्हें फड़नी सारे फाड़ ला खाला चाहिए कि नहीं चाहिए चाहिए ना ट्रेन तू तू बहुत ट्रेन हो गया पुत्र हौसला रख चल और फाड़ ना फाड़ हेलो ओके अच्छा आजम अली, आजम अली अभी यूनिवर्सिटी नहीं जाता, आजम स्कूल बड़ा औखा जाता है, आजम स्कूल चल पढ़। अच्छा तू छोटा है चल जल्दी ब्रेक ला ली ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चल 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 चल। अच्छा अब रह गया जो नया नया हमारा मैरिड कपल है, मैरिड कपल अभी रेडी हो रहा है, वो आता तो उसको भी देते हैं। गजल खुदा था खौफ कर यार, मेरी बात सुन, अपना बैंक बैलेंस मेरा बैंक बैलेंस मैच कर ले, जिसके अकाउंट में ज्यादा पैसा होगा वो जीतेगा ठीक है। हैं तो फिर यार तेरे पास हैं यार पैसे, कल दिया तुझे, कल दिया इसके ब्लॉग में भी कल दिया। अल्लाह पढ़ पढ़ ओके हूं मंगी ना तो चंडा मारांगा अगली ईदी भी ईदी तेन आ गई कल वक्री हूं वक्री बाप का चल चल जा की गल हुई। अच्छा बरकत डालना चाहती है और रज्जब बट के पैसों में से पैसे लेके हैं। ओह आई एम सॉरी क्योंकि मैंने खुद अम्मा से ही लिखी है। ये आ गया जी हमारा न्यूली मैरिड कपल, मेरे बाप की नस्ल चलनी है इससे और उसकी लंबी उम्र के जोड़ों में आमद और मेरे बाप की नस्ल तेनू सिर्फ भाभी मिलनी बस है क्या तू ते पल्ले होंदे आपकी पहली चलो शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना आ गया, निहारी आ गई, खाना खा लेते हैं और फिर निकलते हैं आगे। ये आ गया जी हैदर का गिफ्ट, रखो जी ये आपको जाके खोल के दिखाते हैं। मेरी बेगम अंदर ही बैठ गई है। ओके जी निकलिए चला जा, ओ आ जा चल ओके शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नानो के घर से हो लिया, नानो का घर का एक है यार मामू का घर ही है, खैर मामू के घर से हो लिया खाना शाना खा लिया। अच्छा अब जो जो दूसरे दिन अपने मामू के घर या नानो के घर जाता है नीचे कमेंट लाजमी करेगा और रिलेटेबल है या नहीं, मेरे ननिहाल वाले तो ऐसे ही है जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया। अभी हैदर को फोन कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि चौधरी साहब कहां पर हैं, कहां बिजी हैं, उठे भी हैं या नहीं, सो या रहा हो ना क्योंकि सुबह से उसका फोन कोई नहीं आया। लो जी हैदर को कॉल कर लेते हैं, उसको पूछते हैं कि वो हमारी तरफ आ जाएगा या हम उसकी तरफ जाएं ताकि जो अपना सरप्राइज है वो उसको दे, काफी लेट हो गया सरप्राइज हमारा, दोपहर हो गया। चल भाई जान दे, फोन जा रहा है दशा को, अली साहब कर लो गड्डी अगे, फोन नहीं चुक रहा है, सुता आई पक्की गल सुता आई। अच्छा वो भाई हॉर्न दे रहा है क्योंकि उसने गाड़ी का नंबर पहचान लिया, लेकिन मैं अभी ब्लॉग कर रहा हूँ, मिलता हूँ उसको आगे जाके। भाई क्या हाल है, ठीक ठाक आप सुनाओ, शुक्र अल्लाह का सो रहे हो, नहीं नहीं सो कर रहे हैं, किधर हो, मैं घर पे हूं, क्या कर रहे हो, मेरी बात सुन थोड़ी देर के लिए घर आता, मेरे मेरी तरफ आता थोड़ी देर के लिए, व्लॉग करना थोड़ी देर के लिए आता, टाइम देता थोड़ा सा, अभी आऊं, मतलब थोड़ी देर तक आ जाया, मैं आ जाता हूँ, अगर तू मसरूफ है तो मैं आ जाता हूँ, 15-20 मिनट लूंगा बस तेरे, यार मैं रात में आ जाता हूँ, मैं तेरे लगे ना वहाँ, सिर्फ 15-20 मिनट दे दे मैनू, आवा आ जा, ओके ओके मैं आ रहा हूँ, ओके ओके ओके, उसकी घर दावत है मसरूफ है, लेकिन कोई बात नहीं हम उसकी तरफ चले जाते हैं जाकर उसको सरप्राइज देते हैं। और आज के आज ही एडिट होके सलमान पीछे बैठा हुआ है, सलमान साहब ओके, आज के आज ही एडिट होके आज के आज ही आपको व्लॉग मिलेगा, अभी देख लो 2:15 हो गए हैं, इंशाल्लाह 7:30 तक आपको व्लॉग मिल जाएगा। ओके जी पहुंचो आप लोग, सलमान तो मेरे साथ आ जा, ओके मम्मा मेरी जान को मेरी तरफ से प्यार दुआएं और ईद मुबारक फिर कहना, ओके ओके बाय 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 भाई तू बैठ में आ रहा हूं ठीक है, ओके ओके बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, चलो अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है, माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारे आदमी, कैसे तबीयत ठीक है, ईद का दूसरा दिन बहुत मुबारक हो, माजरा थोड़ा सा तंग कर दिया मैंने, एक छोटा सा सरप्राइज है, छोटा सा सरप्राइज है फॉर यू मेरी जान, कैसी हो, नारी चुप हो गया,
बताओ कैसी हो, पहले बताओ कैसी हो। तुम्हें ठीक है, सरप्राइज है तुम्हारे लिए यार, देते हैं तुम्हें सरप्राइज। पहले पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो। आज जो है तुम्हें सरप्राइज दे देना ना हैदर। चल भाई खुल जा सिम से। क्या है क्या, मेरा तो दिल धकधक कर रहा पागल। तेरे लिए सरप्राइज आया, अंब कितों आ गए हैं? कहता अंब लेके आयो। कर दो भाई, थैंक यू यार। हैदर तेरे से अंब लेके आवांगा मैं, तू आप दुआना तेरे से अंब लेके आवांगा मैं। दुआना तू फड़ फड़ सरप्राइज अपना। चल सेब है, हाँ तेरे लिए सेब लेके आऊं बाबा। तो ये लगता है मैं तेरे लिए सेब लेके यार, उन्होंने हाथ मार मार के देखी जाने बाहर लेके आओ। अजीब आदमी है तू, निकाल के बाहर ले आओ उसको, हाथ मारी जा रहा अंदर। सरप्राइज टूट गया तो फिर नरम नरम सा सरप्राइज है। खोलो मस्तोई साहब, आओ जरा हाथ मारो, खोलो उन्होंने बिस्मिल्लाह करो, सरप्राइज रिवील होने लगा जी। खोलो 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 बाबा जी, अगर रूह राजी ना हो गई आपकी सरप्राइज देख के तो नाम बदल देना भाई का। 1 2 3 आए 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 आए। मैंने कहा था रोजमर्रा की चीज है। क्या हुआ, ये क्या लेके आए हो? कहता रोजमर्रा की चीज, मैंने कोई ईद का गिफ्ट है, कोई कपड़े छपड़े कुछ अंदर कुछ। यार आपने जान नहीं बनानी, यार जान नहीं बनानी, जिम नहीं जाना करना अब यार, ये नहीं ठीक है। रोज केले का शेक पिया पागल, इंडियन केले ने पागल है, इंडियन केले ने दूध ला के देंगे अनहार का, ठीक है उसमें शेक बना। और केले हैं और तेरे लिए क्या आना पागल है, स्पेशल केले लेके आऊं जान तेरे लिए। तू मजाक समझ रहा यार, हद हो गई है पागल। लब ले उन्हें, लब ले उन्हें, लब ले उन्हें, लब ले उन्हें, लब ले। तेरा जो कुछ का तेरा और किसका पागल, चेक कर कैसा मजेदार के नहीं। खोल जबरदस्त, आए 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 आए, खुलना ही नहीं हो। कौन चार्जर भी नाल तेरा लेके आया पागला, चार्जर देखने बाबा तू भाई। तुझे पता फिर फोन का चार्जर बहुत महंगा, डॉक्टर साथ नहीं ना आता, मैं हर चीज साथ लेके आऊँ, कवर भी लेके आऊँ, प्रोटेक्टर भी लेके आऊँ। चेक कर कैसा कैसा, क्या टीटो पटिया लगाई जा रहे बेतुकियां। अल्लाह पाक ने डब्बा दे दिया, अल्लाह पाक ने चार्जर दे दिया, मेरा मालिक फोन भी देगा, परेशान क्यों होता है। अभी फिलहाल देख केले आ गए हैं, चार्जर आ गया है, डब्बा आ गया है, फोन भी आ जाएगा, इसमें फोन डलवा लेंगे ना यार। फोन आपको पता मैंने लेना है। हाँ टेंशन क्यों ले रहा, फोन आ गया मेरी जान, अल्लाह पाक इसमें मोबाइल भी डाल देगा। पागल जिदा गल तो सुन, तेरे मोबाइल का कलर तेरा सूट का कलर 14 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स ब्रो, पीटीए अप्रूव्ड ब्रो। नहीं नहीं मेरी दादी है, मैं अपनी दादी की कब्र देख के आना। मेरे सही तरह से तू प्रैंक बड़े कर दे हो जेड़े ना। यार मैं तुम्हें जो कोई चीज दी है मैं प्रैंक नहीं किया, जाएंगे लो गाड़ी वापस लेती है। नहीं गाड़ी गाड़ी तो वापस ले लो, डमी नहीं है, डमी नहीं है, देख लो जितना डब्बे वाला प्रैंक है। मैं कह रहा हूं ऑन है, चल रहा है, मैं देख रहा हूं। 14 प्रो मैक्स मेरी जान, पीटीए अप्रूव मेरी जान। अच्छा ये चार्जर नाल 6 ज्यादा डॉक्टर मेरी जान। यार है किसका, ओ खुदा की कसम आईफोन वालों का है। इसकी मैंने आईडी लगा दी है, हैदर शाह के नाम से आईक्लाउड की आईडी है, पासवर्ड आपको सेंड कर दूंगा, पासवर्ड चेंज कर लेना। वही ना हो ना रात को आप अपनी बेबी से बातें कर रहे हो चैटों पे, मैं सारी आपकी चैट पढ़ लूंगा, अच्छा नहीं लगता। ओए झूठा दे, ए झूठा दे, पैसे पुसे तेरे को मंगे ना किसी ने, ईदी है तेरी, तेरी ईदी, हां जी तेरी ईदी तेरी ईदी है, ठीक है ना। लव यू हो गया, इसमें सिम डालो, आईडी लगी हुई है, पासवर्ड सेंड कर देता हूँ, ठीक है ओके। हाँ सही तरह भाई, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा मेरी गल सुन, मैंने लेना भी था वैसे भी, लेना था लेकिन तूने लेना था यूनिवर्सिटी के बाद, लेकिन मेरे को इतनी देर नहीं चला। अपना फोन दिखा जरा, अपना फोन दिखा, कितने फोन दिखाने वाला। अच्छा इसमें अपनी सिम सुम डाल लो, ठीक है, और आपने सिर्फ एक काम करना, रोटी खिला देनी है भाई, रोटी बस बेहतरीन वाली, ठीक है। कमेंट सेक्शन भर दो
ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਤੇ ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਗੱਟੀ ਰੋਟੀ ਡਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਲਵ ਯੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹਦੀ ਤੇਰੀ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਬਤਾਓ ਫੋਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਅਬ ਇਸਕੇ ਪੈਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਬਤਾਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਡ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆਪਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਹੋ ਅਡਾ ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਈਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਤੂੰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇ ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ ਖਤਮ ਜੁੜ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਡਨ ਹਾਂ ਬਸ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਸਿਰਫ ਦੈਟਸ ਇਟ ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਈਦੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯਹਾਂ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਵਲੌਗ ਕੋ ਐਂਡ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪਕੋ ਵਲੌਗ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਹੋਗਾ ਰੁਕੋ 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 ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਯਹਾਂ ਸੇ ਵਲੌਗ ਐਂਡ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਕਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਲਾ ਰਹੀ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕਾ ਕਰ ਕਰ ਵਲੌਗ ਐਂਡ ਕਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ ਆਪ ਮੇਰੇ ਲਈ ਈਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ थैंक यू मेरी जान थैंक यू थैंक यू आई एम वेरी हैप्पी और वीडियो को आगे जाके शेयर करें और दोस्तों को जाके बताएं ईदी ऐसे देखते हैं जितनी है उतनी उतनी देनी चाहिए भाइयों को जाके थैंक यू भी कहें किसको आपको तू क्या रोटी खवा थैंक यू ना क्या रोटी रोटी तो आ जाएगी रोटी फिलहाल करते हैं जी आप एंड मेरी जान खुश है मैं भी खुश हूँ सारे खुश रहे आबाद रहे अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें कमेंट करके बताएं कैसा लगा कैसा नहीं लगा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे पुत्र ईदी दे दिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ तब तक अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अम्मा कैसे कभी अल्लाह हाफिज़ खुश रहे आबाद रहे चल भाई केले चुकला अपने